बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केरियन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आऊँ ये महीना कैसा गुजरेगा। और महीना ये 21 जून से लेके 22 जुलाई के दरमियान ये जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा। हमारा महीना 21 से शुरू होगा, 22 को ख़त्म हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल दबा दीजिए। बड़ा थोड़ा सा कह लें कि अच्छा महीना है। मास्क वाले दो तीन चीज़ों की प्रिकॉशंस मैं वो आपको सबको बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि 6 को मार्स राहु के नीचे आए ना, तो वन शुड बी केयरफुल। वो उसका मीडिएटर बड़ा स्ट्रांग बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वन शुड बी केयरफुल। स्टार्ट आपका छठे घर से होगा, तो स्टार्ट क्योंकि सन आपके छठे घर में आ गया और इसका मीडिएटर आपको पता है मून हर 52 घंटे बाद घर तब्दील करता है, आफ्टर एवरी 52 ईयर आज ना। तो ये महीना थोड़ा सा आपको वेरिएशन, कभी प्लस माइनस, आपको पूरे 5-12 घरों की सैर कराएंगे इस महीने। वैसे भी मेरा वो प्रोग्राम जो ये हफ्ता वो भी पूरे 12 घरों के घूमता है, लेकिन ये महीना वेरिएट करेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि सन आपके छठे घर में। और छठा घर मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि छठे घर में क्या आपको, एक तो ये सर्विसेज का घर है और आपके दुश्मनों का भी, हासदीन का भी घर है। तो वो जो जिस डेटों को मैं आपको मुताद रहने के बारे में कहूँगा, वहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। रिलेशंस का घर है आपके अंकल आंट के साथ, आपके एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, मार्स नेगेटिव होने जा रहा है, तो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, ये आपने केयरफुल रहना होगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कोई इस महीने में, ना पैसा देना ना पैसा लेना, ना कर्ज़ा लेना ना कर्ज़ा देना, और सिर्फ ट्रेड करनी है। अपना मोबाइल संभाल के रखना है, अपने पैसे संभाल के रखने हैं, अपनी ज्वेलरी संभाल के रखनी है, अपने वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आग से नहीं खेलना, आपने औजारों से, शार्प थिंग से नहीं खेलना, बिजली से नहीं खेलना, मच्छर वाले इलाके में नहीं जाना, ड्राइविंग मुताहत होकर करनी है। ये जो प्रिकॉशंस है तो मैं बता दूं, मार्शल प्रॉस्पेरिटी मेड बाय डिपार्टमेंट, ये भी होगा। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस का घर है तो वो भी पार्टनर भी पैसे खर्चेगा, और वर्कर्स का, सर्वेंट को वर्कर्स, तो आपके जो वर्कर्स को वर्कर आपके साथ बहुत ये हफ्ता बड़ा इन्जॉय करेंगे। मे भी आप उनके साथ पिकनिक पे जाएं, मे भी उनके साथ आप सैर सपाटे पे भी जाएं, तो इस किस्म का माहौल भी रहेगा। किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, सिकनेस नहीं होंगी, कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। अव्वल तो 6 जुलाई से पहले पहले कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। सिकनेस ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग के फेज एक्सक्यूज़ मी, अफवाहें उड़ेंगी कि आपको फलां जगह भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, बट कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये तो आपका हो गया आपका छठा घर, छठे घर के एडवांटेजेस और फेजेस के साथ चलेंगे। अब क्या 29-30 बहुत अच्छा होगा, 1-2-3 बहुत अच्छा, अपने स्पाउस के साथ आप इन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। 4-5 यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है या कोई प्रॉपर्टी में फ़ायदा, कोई ना कोई आपको कोई एडवांटेजेस या कोई सफ़र या कोई इस किस्म का है। 6 और 7 यहाँ पे आपका मजहबी सफ़र, बड़े जुबिलेशन और बड़े खुशी में भी आप हाथ जुमरा वहाँ पे इंजॉय कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। या आपकी बाहर की एजुकेशन, उसके में भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। बी केयरफुल ऑन 8th, 9th, 10th यहाँ पे केतु के साथ है, तो थोड़ा सा साक्षी जेन होगा, थोड़ा सा आप ओवर रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि मार्स, इसका मीडिएटर मार्स है वो राहु के नीचे, तो गुस्सा बहुत आएगा, बस कर जाएंगे, एकदम ओवर रिएक्शन कर जाएंगे, अपने ऊपर इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा, बॉस के साथ मैच डाल लेंगे या इधर की उधर लगाई करेंगे, चुगलियाँ वगैरह भी लगा के दूसरे का पोटरा भी गोल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना, कारोबार में भी आप थोड़ा सा हेराफेरी भी कर सकते हैं, साजिश भी कर सकते हैं। 11-12 बहुत अच्छा, कोई होप्स पूरी होगी, कोई ना कोई बेहतरीन भी बड़ों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाएगी आपको। 13-14 ये बड़े संजीदा होकर अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट्स होंगे, आपके एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल होंगे, और यहाँ पे वो लोग जो कहते हैं वर्क बिहाइंड दी सीन एजेंसियों के लोग, ये बहुत ही संजीदा होकर अपने काम निकालेंगे, रूहानियत में भी जाएंगे, ये
डिवाइन नॉलेज की ये हमारा जो मख्फी रूम की तरफ भी तवज्जो रहेगी। 15-16 ये आपके सैंडन में मून है, तो थोड़े से फेजेस ग्लूमी या अप्स एंड डाउन्स, ऐसे ही एक फेलियर बैठा रोना रोने को दिल करेगा, काम का अपने ऊपर स्ट्रेस, खुद ही पेन के टीके लगा के खुद ही निकले, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एडवांटेज लीजिएगा, सुस्ती की बोरी होगी, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, गाड़ी ख़राब होगी, डिले हो गया, कोई आके आपका वक्त ज़ाया कर गया, तो इस किस्म के फेजेस होंगे। ऐसे होगा जैसे आपको फील होगा कि अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, लो स्टीम पे चले गए, लेकिन ये ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपने अपने आप को कंट्रोल करना होगा। 17 और 18 पैसे आने चाहिए बड़े अच्छे तरीके से, कोई ना कोई फ़ायदा होगा, यहाँ पे एडवांटेजेस होंगे, ससुराल की तरफ से भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं, सासू माँ आप पे बड़ी मेहरबान होगी, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है जिसे आप इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद 19-20 मून जुपिटर के साथ एक्सीलेंट पोजिशन, आपके सातवें घर को भी ट्राइन दी हुई, उधर 11वें घर को भी ट्राइन दी हुई, तो छोटे छोटे सफ़र, बहन भाइयों के साथ मुलाकातें, बहन भाइयों के साथ पिकनिक पे जाना, ये इस किस्म के काम होंगे, जहाँ पे एंकर्स रात भी, जो भी इस शोबे में आपके एजुकेशन का रिजल्ट्स बहुत, मिडिल एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसके भी रिजल्ट्स बहुत आपके हक में आ जाएंगे। तो ये एडवांटेजेस इस महीने, ये जो 19-20 है, यहाँ पर आपकी सफ़र बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि मून जब एरीज में आता है तो बंदे को ट्रैवलिंग करने का शौक चढ़ता है, और फिर जुपिटर साथ है तो जुपिटर भी उसको इनहांस करेगा, तो बहन भाइयों के साथ कुछ पिकनिक, कुछ दौरे पे, कुछ टूर पे, कोई तफरी टूर पे जाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह फिर लास्ट जो है 21-22, ये आपके चौथे घर में मार्स है और साथ मून भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो जो जिनको दिल के प्रॉब्लम है, हार्ट के मसले हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, कोई प्रेशर आ सकता है, कोई हार्ट के पे आ सकता है, यहाँ पे अपने गुस्से को काबू रखिएगा, खुदा ना करे कोई ओपन हार्ट सर्जरी स्टंट पड़ जाए, तो इसलिए दवाइयाँ टाइम कैसे लीजिएगा। अपने यहाँ पे वालदा बीमार हो सकती है, वालदा को कुछ हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, ये दो दिन आपने सदका करना है, उसका गोश्त का सदका करना है, दूध का सदका करना है, ड्राइविंग में बहुत मुताहत रहना है, कोई घर का काम, कोई कुछ किसी किस्म का आपने कोई नहीं छेड़ना, घर में कोई ना कोई आप कह लें कि रेनोवेशन, उस पर पैसे लग जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होने के भी चांसेस है, कोई अपने ज्वेलरी संभाल के रखिएगा, गाड़ी आपने मुताहत होकर गुजारनी, गाड़ी रिपेयर के लिए वर्कशॉप भी जा सकती है, ठुक सकती है, और मोटरसाइकिल वाले खुदा के लिए, फिर मैं आपको कहूँगा कि खुदा के लिए बहुत ही मुताहत रहिएगा, बहुत ही चेस्ट पे पसलियों पे चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने दुश्मन खुद हैं मोटरसाइकिल वाले। तो ये जो एक्वेरियन ओवरऑल यहाँ पे डिफरेंट फेसेस होंगे, आपको फ़ायदा होगा, और सवाए जो मैंने मार्स के मुतलका बताया, बाकी सारे एडवांटेजेस आपको है। अगले महीने फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।